हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 11। इससे पहले मैंने 10 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए और ज़रूर देखिए। चलिए शुरू किया जाए अपना 11वां पार्ट। क्या दिया है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन दिया है, एक फैक्ट्री में 50 दिन के लिए कच्चा माल है। 15 दिन के बाद 8 मशीनें और लगा दी गई जिनकी क्षमता पुरानी मशीनों की क्षमता के बराबर है, तथा कच्चा माल केवल 30 दिन तक चला। और आगे पूछा है प्रारंभ में कितनी मशीनें लगाई गई, यानी आपसे पूछा है कि प्रारंभ में कितनी मशीनें लगाई गई। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमें रिमेनिंग वर्क पे सोचना है कि रिमेनिंग कितने दिन का काम बचा है। तो हमें बताया ही नहीं है कितनी मशीनें लगाई गई थी पहले। तो मैं मान लेता हूँ कि कितनी मशीनें लगाई गई थी, एक्स मशीनें लगाई गई थी। तो माना कितनी मशीनें थी, एक्स मशीनें थी। अब क्या हुआ, ये जो एक्स मशीनें थी 15 दिन तक तो काम की, करना था उन्हें टोटल 50 दिन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 8 मशीन और आ गई। तो जाहिर सी बात है कि काम अब कम दिन में होगा। तो अगर यही मशीनें जो ये एक्स मशीनें हैं, अगर पूरे दिन तक काम करती 15 दिन के बाद, हमारी तो करना था 50 दिन तक, किया उन्होंने 15 दिन तक। अब अगर वही जो रिमेनिंग काम है वही मशीनें करती, तो 50 में से अगर 15 को हम घटा देते कितने दिन तक करती, 35 दिन तक करती। तो क्या होता, अगर यही मशीनें जो है 35 दिन तक करती काम, तो काम जो है 50 दिन में पूरा होता, क्योंकि 15 दिन तो पहले किया, 35 दिन और करते हैं पूरा काम 50 दिन में कंप्लीट होता। लेकिन हुआ क्या कि 8 मशीनें और लगा दी गई। पहले तो यक्स थी, अब क्या हुआ, यक्स प्लस 8 मशीनें हो गई। अब 8 मशीनें और लगा दी गई, तब क्या होता है, जो कच्चा माल है केवल 30 दिन तक ही चला। जो काम 35 दिन में होना था, जो रिमेनिंग काम 35 दिन में होना था, जब 8 मशीनें बढ़ गई तो काम कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में हो रहा है। तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे 30 दिन का। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा प्रारंभ में कितनी मशीनें थी। सॉल्व करिए, 5 6 30, 5 7 35, तो कितना होगा, ये 7x होगा। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x होगा, और इसमें करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा। अब इसको उधर ले करके जाएंगे तो घट जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, x। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48। यानी कि प्रारंभ में कितनी मशीनें थीं, 48 मशीनें थीं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इसे मिटा के फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। अब क्या कहा है, 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर चले जाने पर, यानी 10 दिन के बाद क्या हुआ, 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, तो ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी, यानी जितने दिन पहले चलती थी उतने ही दिन और चलेगी। आगे क्या दिया है, यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी। तो आपसे पूछा है निश्चित अवधि कितने दिन की थी, तो चलिए शुरू किया जाए। अब हमें दिया ही नहीं कि कितने सैनिक थे, ना तो सैनिक दिया ना ही खाद्य सामग्री दिया है, तो हमें दोनों मानना पड़ेगा कि सैनिक कितने थे और खाद्य सामग्री कितनी थी। तो मान लेते हैं कि सैनिक कितने थे, एक्स थे, और खाद्य सामग्री कितनी थी, खाद्य सामग्री वाई मान लेते हैं। पहले क्या था, कुछ सैनिक थे और कुछ सामग्री, कुछ दिन के लिए सामग्री थी। अब क्या हुआ, 10 दिन के बाद इनमें से 1/5 सैनिक चले गए। पहले क्या हुआ कि उन लोगों ने जो एक सैनिक थे, 10 दिनों तक उन्होंने खाना खाया, 10 दिनों तक उनके लिए खाद्य सामग्री थी, 10 दिन तक खाए, उसके बाद वो छोड़कर चले गए। तब क्या हुआ, अब जाहिर बात है कि मैंने बोला आपको कि हमें काम किस पर करना, रिमेनिंग दिन पर, यानी जितना दिन तक उन्होंने काम कर लिया उसके बारे में नहीं बात करना, जितना बचा हुआ है उस पर हमें बात करनी है। तो टोटल उन्हें काम करना तो वाई दिन, लेकिन इन्होंने कितने दिन तक खाना खाया, केवल 10 दिन तक खाना खाया। तो यानी बचा हुआ कितना दिन हुआ, अगर वाई में से हम घटा देंगे, पहले हमारे कितने सैनिक थे, एक सैनिक थे, अगर इतने ही सैनिक रहते हैं तो उस काम को करते रहते हैं 10 दिन तक के, 10 दिन के बाद कितने दिन तक बचता काम, तो कितने दिन का बचता, वाई माइनस 10 दिन, यानी कि 10 दिन तक तो खा लिए, लेकिन टोटल करना था वाई, वाई में से अगर 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। ये रिमेनिंग वर्क ये करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। पहले तो एक सैनिक थे, अगर
एक सैनिक थे, इसमें से क्या हुआ कि 1/5 सैनिक चले गए, यानी 1/5 सैनिक चले गए। अगर यह आप घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4/5 चिक्स आ जाएगा। अब कितने सैनिक बचे, 4/5 सैनिक बचे। जब 4/5 सैनिक बचे, अब कितने बचे, 4/5 सैनिक बचे, 4/5 एक सैनिक बचे। तो कहा है कि जो आरंभ में जितना खाद्य सामग्री चलता था उतना ही अभी भी चला, यानी 1/5 के चले जाने के बाद भी उतना ही खाद्य सामग्री चल रही है। तो उतना मैंने कितना माना था खाद्य सामग्री, वाई था, तो अभी भी कितने चलेगी, वाई दिनी चलेगी। अब क्या हुआ, अब सॉल्व करेंगे, एक से एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 4y5 इंटू वाई हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 के दर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5y माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो 5y माइनस कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 4y। जब आप इसको उधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा वाई, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। यही आपका आंसर हो गया कि प्रारंभ में कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, 50 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, यही आपसे पूछा है। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, कितना आंसर हो गया 50 हो गया। इसे मिटा के फिर मैं तीसरा क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। आगे दिया है अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए। प्रत्येक दिन क्या होता है, एक आदमी छोड़ के चला जाए, पहले 44 में फिर 43 फिर 42 ऐसे ऐसे करके छोड़ के चले जाएँ, तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। आपसे पूछा है कि काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन तक लगेंगे, तो चलिए इसे भी किया जाए। 33 आदमी थे वो जो है कि 30 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो इनका टोटल वर्क हो गया। जब ये टोटल वर्क हो गया तो आगे क्या दिया है, अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर, 44 आदमी जो है कि साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन क्या होता है एक आदमी छोड़ते चला जाता है। पहले दिन एक आदमी छोड़ा, फिर अगले दिन ऐसे ऐसे काम छोड़ते गए, तो पहले कितने आदमी काम किए, 44 आदमी कर रहे थे पहले दिन तक, तो हम इसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसी तरह क्या होगा, तो एक तो लिखते नहीं तो इसी तरह से क्या हटा दें इसे एक को, पहले 44 आदमी काम किए फिर क्या एक आदमी छोड़ दिया दूसरे दिन तो 43 हो गए, फिर छोड़ दिया एक आदमी तो कितने हो गए 42 लोग हो गए, फिर इसी तरह छोड़ते गए 42 47, मान लेते हैं कि n आदमी तक काम उनका चला। अब आपसे पूछा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हमें यही n की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमारे n की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप देख रहे होंगे ये जो कि समांतर श्रेणी का लग रहा फॉर्मूला, समांतर श्रेणी में क्या होता है इनका अंतर समान होता है इन दोनों का। अब देख रहे होंगे यहाँ 44 है यहाँ 43 है, कितना है इनके बीच का अंतर, एक है, इनके बीच का भी अंतर क्या है एक है। तो आप जानते होंगे समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा उसका फॉर्मूला। पहले इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। तो आप जानते होंगे समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ क्या होगा, एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ d क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ d क्या है, मैं यहीं पर लिख के आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर d क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 43, पहले इसको सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को घटाएंगे तो 43 माइनस 44 होगा, ये हो गया d डिफरेंस। और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a जो दिया है a क्या है पहला नंबर है, तो ए की वैल्यू कितना हो गई 44 हो गई। जब आप फिर से घटाएंगे तो कितना हो गई डी की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू आ गई माइनस 1 और ए की वैल्यू कितना आ गई 44 आ गई। और हमें एन की वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ भी अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो गया क्या क्या होंगे ए और डी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए की वैल्यू कितना है 44 है और डी की वैल्यू कितना है माइनस 1 है, यही आपका वैल्यू है। अब देखिए इनको जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 990। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व करें तो 990 n माइनस 2 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 44 से प्लस n मुझे ज्ञात करना है इंटू
डी की वैल्यू माइनस वन है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आगे इसे सॉल्व करिए, 990 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई टू, ये क्या हो जाएगा 88 प्लस, अब माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा, ए माइनस है ए माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस वन हो जाएगा, ए हो गया। अब इसे आप आगे ले चलिए, क्या होगा एन बाई टू क्या होगा ये 89 माइनस एन। अब जो है मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ इन सब चीज़ों को, तो आपका क्या आया 990 इक्वल टू आया एन बाई टू 89 माइनस एन। तो मैंने ऑप्शन लिया, आप क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, जब द्विघात समीकरण बनेगा तो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, आप क्या करें ऑप्शन उठाइए, आप पहला ऑप्शन उठाइए और इसमें रखिए एन की जगह, अगर एन की जगह आप रखेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड की कुल आ जाएगा तो आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। तो 990 इक्वल टू क्या होगा एन की जगह आप 44 रखिए, 44 बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 89 माइनस एन की जगह 44 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करें इसे तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 11 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 990 इसको तो 990 हो गया, यानी क्या होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। तब जब प्रूव हो गया तो हमारा क्या आंसर होगा यही 44 होगा। तो आप जल्दी करने के लिए क्या करेंगे ऑप्शन से उठाएंगे, जब आप ऑप्शन से उठाएंगे द्विघात समीकरण से आप बच जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो काम कम से कम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो जो काम है वो कम से कम कितने दिन में कंप्लीट होगा 44 दिन में कंप्लीट होगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, इसे मिटा के फिर मैं चौथा क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी पर दिन काम छोड़ देते हैं। क्या होता है प्रतिदिन जो है कि 20 आदमी काम छोड़ते जाते हैं और काम सातवें दिन के आखिर में पूरा हो जाता है, मतलब सातवें दिन के आखिर में कंप्लीट हो जाता है। तो काय ज्ञात करें कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे, हमें दिया ही नहीं कि शुरू में कितने आदमी लगे थे, तो वही आपसे पूछा कि शुरू में कितने आदमी लगे थे। चलिए इसको भी शुरू किया जाए, मान लेते हैं कि शुरू में एक आदमी लगे थे, माना कितने आदमी थे एक आदमी थे, एक आदमी शुरू में लगे और उन्होंने कितने दिन में काम करने का निर्णय लिया था 4 दिन में, तो x इंटू क्या हो जाएगा 4, ये इनका टोटल काम हो जाएगा। या अगर x आदमी 4 दिन काम को करते हैं तो काम को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन क्या कहा है परंतु क्या हुआ प्रत्येक दिन जो है कि 20 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या हुआ पहले दिन तो अगर x आदमी 4 दिन तक काम करते हैं तो पूरे काम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन क्या कहा है परंतु 20 आदमी पर दिन काम छोड़ के चले जाते हैं। पहले दिन तो x आदमी ने काम किया, पहले दिन जो x आदमी काम किए पहले दिन एक दिन, फिर दूसरे दिन क्या हुआ 20 आदमी काम छोड़ के चले गए, तब क्या हुआ x माइनस 20 हो जाएगा। अब इतने आदमी बचे, इतने आदमी ने अगले दिन तक काम किया तो एक का मल्टीप्लाई करते ही नहीं है क्योंकि एक का करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो x प्लस x माइनस 20 होगा प्लस, फिर आगे क्या हुआ आगे भी 20 आदमी छोड़ के चले गए तो क्या हो जाएगा x माइनस 40 हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा फिर 20 आदमी छोड़ के चले जाएंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा x माइनस 80 हो जाएगा। टोटल करना 7 दिन तक, 1 2 3 4 5 दिन तक हो गया, फिर आगे क्या हुआ फिर जो है कि कुछ आदमी छोड़ के चले गए 20 आदमी छोड़ के चले गए तो कितना हो गया x माइनस 100 हो गया प्लस, फिर कितने आदमी छोड़ के चले गए 20 आदमी, कितने हुआ x माइनस 20 हो गया। तब 1 2 3 4 5 6 7 तो टोटल काम कितने दिन कंप्लीट होता है 7 दिन में कंप्लीट होता है। तो आप इसे सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या होगा 4x इक्वल टू x, अब आप जोड़ लीजिए सिंपल से होगा 1 1x 2 3 4 5 6 7, तो कितना आया आपका यहाँ पर 7x आया। अब ये सारे माइनस के हैं तो जोड़ लीजिए 20 20 40 60 60 60 120 120 में 80 जोड़ेंगे 200 200 में 100 जोड़ेंगे 300 300 में 120 जोड़ेंगे 420 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 420 हो जाएगा। अब 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4x माइनस
7x इक्वल टू माइनस 420। अब आप उसे घटा लीजिए तो क्या होगा, माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 420। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, कितने व्यक्ति लगे थे, कितने आदमियों का समूह था, 140 आदमियों का समूह था। ये आपका आंसर हो गया। तो इसे मिटा के फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, एक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाने की सामग्री थी, 5 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, अब यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। पहले दिया है 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाने की सामग्री थी, 5 दिन तक उन्होंने खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, 30 सैनिक जो है किसी दूसरे कैंप में चले गए। तो पूछा कि अब जो बचे हुए सैनिक हैं उनके लिए कितने दिन का भोजन बचेगा। चलिए सॉल्व किया जाए। मैंने इसमें बताया था जो सैनिक वाले में कि आपको देखना है कि कितने दिन का काम बचा हुआ है। 5 दिन तक तो उन्होंने खाना खा लिया था, लेकिन उसके बाद बचा कितने दिन का, खाना था 200 दिन का, लेकिन बचा कितने दिन का, 195 दिन का। तो अगर यही 195 दिन तक खाते हैं, अब जो है कि 200 दिन में से 5 को हटा देंगे तो 195 हो जाएगा, 195 दिन तक खाएं तब पूरा जो बचा हुआ काम, बचा हुआ खाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आगे क्या दिया है, 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए, पहले 95 सैनिक थे, अब कितने सैनिक बचे, 65 सैनिक बचे, यही 65 सैनिक जो है दूसरे कैंप में चले गए। तो आपसे पूछा कि अब जो है खाने की सामग्री कितने दिन के लिए बची, तो मैं मान लेता हूँ कि 1 दिन के लिए बची। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 13 से काट लीजिए, 13 पंजे 65 हो जाएगा, फिर 5 तीन 15 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लिए, 3 पंजे 15, 3 नवा 27, 27 एक 28। तो आपका आंसर कितना आ गया, 285 दिन। यानी कि जब 30 सैनिक चले जाएंगे तो सामग्री कितने दिन तक और पर्याप्त होगी, तो कितने दिन के पर्याप्त होगी, 285 दिन के लिए पर्याप्त होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर